এটা দিয়ে বানাবে? মামা তুমি কি করছো? কি করছো? কি খাচ্ছ মাম্মা? ইত্তু ইত্তু গলা আটকাবে, চিবিয়ে চিবিয়ে দেখি চিবচ্ছ নাকি, দেখি তো মামা চিবচ্ছ নাকি। আ দেখি এইদিকে আমার দিকে তাকিয়ে আ করো, আ এই মামা খাচ্ছে। কি টেস্টি মামা, টেস্টি নাকি দেখি বলো তো, টেস্টি? ও মা টেস্টি। হ্যাঁ বাবা, কি বাবা টেস্টি? আরেকটা গুড় তো আর না আর না বেশি না, তুমি ডিনার করেছ? হ্যাঁ হ্যাঁ মানে হ্যাঁ তুমি সবাইকে বলে দাও, তুমি এখন হাঁটি হাঁটি পা পা করতে পারো, বলো নমো নমো করে দাও তো, নমো নমো বলো, নমো বলো বলো, নমো বলো বলো, নমো হ্যালো হ্যালো বলে দাও, হাই বলো, হাই 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 হাই। গুড মর্নিং, গুড মর্নিং মামা, হ্যাঁ বলে তো দেখি, আ দিয়ে রাখা দেখি, ব্যাস করছে দেখি, ই করো করো, টিটটা দেখি তোমার টিট করা টিট আছে দেখি তো, দেখি কটা টিট আছে, সুমে টিট মামা। পি না এটা এটা বের করে বলে হ্যাপি বিহু, বিহু বলে বি হু বিহু, মামা বলে তো অ আ ই উ এ হয়েছে ও এ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, तो और हम लोग भी अच्छे ही है, सभी अच्छे है। और आज है संक्रांति, चैत्र संक्रांति, यानी बंगाली यार साल के लास्ट दिन चैत्र, फिर कल नया साल शुरू होने वाला है। और यहाँ पर असम में है बिहू, सो हैप्पी बिहू आप सभी को। हमारे यहाँ पर कुछ कुछ नियम होते हैं, जैसे सुबह उठ के नहाना, हल्दी नीम के साथ नहाया जाता है, और घर में मतलब हर दरवाजे पे एक फूल लगाया जाता है, नीम पत्ते लगाए जाते हैं। उसका रीज़न ये है, नीम से नहाना, फिर नीम का डाली लगाना वो दरवाजे पे, ताकि अभी जो टाइम है ना, इस टाइम पे पॉक्स वगैरह होती है, चिकन पॉक्स वगैरह, सो इसलिए नीम का हवा रूम के अंदर आए, फिर नीम का वो एक उपटन टाइप का ही होता है, उससे नहाया जाता है। तो हर रिचुअल के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता है। और साथ में हमारे यहाँ पर और एक नियम है कि आज 108 टाइप्स का वेजिटेबल मिला के एक मिक्स वेज बनती है, वो दोपहर को बनाया जाएगा। और सुबह दही, मतलब दही मतलब हमारे बंगाली लोग में मिष्टी दही खाते हैं, तो मिष्टी दही, फिर चिवड़ा, खोई और मुरमुरा सब मिला के खाते हैं ब्रेकफास्ट पे। वो मुझे पता नहीं बंगाली लोग का नियम है या असम में नियम है, क्योंकि असमिस लोग भी यही खाते हैं,
तो मुझे लगता है कि मिक्स रिचुअल बन नियम बन चुका है कि ऐसा मिस नियम भी हम लोग फॉलो करते हैं, फिर बंगाली नियम भी। मतलब न्यू ड्रेस देखी, न्यू ड्रेस देखी, वाओ हमारा न्यू न्यू ड्रेस का देखे शूज, ना, न्यू न्यू ड्रेस का सीन है ड्रेस। को था, न्यू ड्रेस का वाह। देखिए देखिए, हाय करो मामा, हाय करो, हाय मामा, हाय हाय, मामा हैप्पी बिहू। हैप्पी बिहू बोलो तो। हैप्पी কি দিয়েছে এটা? কোকোনাট। তার পিছন থেকে পাপা পাপা, সস্তা ক্যামেরাম্যান, এ মেহঙ্গা ক্যামেরাম্যান, ফোনটা সস্তা। সবচেয়ে লম্বা ক্যামেরাম্যান। যে বলটা নিয়ে এসো মামা, নিয়ে এসো, দেখি তো তোমায় কেমন দেখাচ্ছে। আচ্ছি, ব্লেস ইউ, ব্লেস ইউ মামা। যা নিয়ে এসো, বলটা কোথায়? ও বলটা নিয়ে, বলটা ওই বলটা কি তুমি খেল করেছো? কোথায় বাবা, কোথায় মামা? মামা কোনটা, মামা মামা কোনটা, মামা কোনটা দেখি দাও। আমি চলে যাই, চলে যাই। সো আবার সবজি বানা রি মম্মি, আর মানে বস এক করেলা ফ্রাই কিয়া হ্যায়, উতনা মুঝে করনা মেরা পসিবল নহীঁ হোতা পরি কে লিয়ে, ক্যোঁকি সব কাম মে বিজি রহতে, পরি কো মুঝে সম্ভালনা পড়তা হ্যায়। আর মানে নহা ধো কে নয়া সাড়ি পেহনা হ্যায়, ইয়ে কাকি মুনি নে মুঝে দিয়া হ্যায় নয়া সাড়ি, আচ্ছা লাগতা হ্যায়। कोई भी फेस्टिवल हो, साड़ी पहनने का मौका मिलता है, थोड़ा सजने सजने का। तो बस बहुत प्यारा सा साड़ी है, मुझे बहुत पसंद आया। ये शायद जयपुरी प्रिंट कहते हैं ना, और आज वेदर भी मतलब थोड़ा बारिश बारिश सही है। मतलब तो चलिए मैं चलती हूँ, पर 1 बज रहे हैं, परी का भी लंच करवाना है, फिर उसे आजकल नैप एक टाइम ही देती हूँ दोपहर को, सुबह जो सुलाती थी वो आजकल नहीं सुलाती, तभी उसे लंच करा के फिर सुला दूँगी। और बनने के बाद वेट करी हूँ कब सब्जी बनेगा। ऐसे ही मुझे मिक्स वेज बहुत पसंद है। क्या हुआ? मिक्स वेज बहुत पसंद है सुष्मिता को, सुष्मिता मतलब मेरी देवरानी, उसे भी बहुत पसंद है। तो हम लोग वेट कर रहे कब होगा, फिर खाएंगे। चलिए मिलती हूँ बाद में। তুমি কি গামলাতে রাঁধছো? কেন পড়াই দেয়নি তোমাকে শ্বশুর বাড়ি থেকে? কি কষ্ট, কষ্ট তোমার গামলাতে রাঁধতে হচ্ছে, এত কষ্ট। তাও গ্যাস নেই, স্টোভে রান্না করবো। শাশুড়ি মা চুলাতে রান্না করছে, বৌমাকে গামলাতে। দেখো না আমার নামে বৌমা কি বলছে। হ্যাঁ আমি বলছি, আমি ওদিকে করছি, তুমি এখানে করো। না না না
আমাদের সই আজকে রান্না করতে এসেছেন মিসেস দে মানে দীপ্তি দে পিয়াজ বানাবেন 108 রকমের সবজি মিলিয়ে নিরামিষ তরকারি যেটা চৈত্র বিহুতে বানানো হয় তোমার জীবনের কিছু কাহিনী বলো দিদি না করবেন না তোর জি বাংলা জি বাংলা নাকি রান্নাঘর পিছনে কে আমার জীবনে আমি অনেক কষ্ট করেছি কিন্তু তবু কালা করা এটা পরিষ্কার করতে পারিনি অনেকে আমাকে বলেছে ভিডিও দেখে যে এই কড়াইটা কেন ইউজ করো দিদি এ তো কালো কিন্তু পারলাম না এটাই আমার জীবনের অনেক বড় কষ্ট জীবনে লড়াই করে এটা পাইনি আমাদের বাড়িতে কত মেয়ে এসেছে কাজ করতে শুরু দিয়ে এসেছে চকর আর কে কে এসেছে এই কড়াই দেখে আর সব পালায় हाय गाइस गुड इवनिंग सो दोपहर को एकदम अच्छे से लंच करने के बाद फिर हम लोग सो गए थे परी भी सो गई थी और अभी उठने के बाद अभी पड़ोस के एक घर में जाएंगे शायद आप लोगों को पता है इमोन जो मेरे बहुत सारे ब्लॉग में रहते और मेरा जो रक्षाबंधन वाला ब्लॉग था उसमें भी था उसे मैंने राखी पहनाया था तो वो लोग के घर में जाऊंगी और आज का सब्जी भी बहुत बढ़िया बना था हम सबको बहुत पसंद आया है और चाचा जी को भी सब मिस कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी पसंद था ये सब खाना खाने के बहुत शौकीन थे तो क्या कर सकते तो चलिए आज का ब्लॉग इतना ही परी पापा पापा किए जा रही है तो आज का ब्लॉग इतना ही कल मिलूंगी प्लान तो है कल न्यू ईयर बेंगलुरु न्यू ईयर पे ब्लॉग बनाऊंगी तो मिलती हूँ कल के ब्लॉग पे तब के लिए बाय बाय